दोस्तों आज फिर से आपके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आए हैं। अगर कंक्रीट के बारे में जानना है तो कंप्लीट वीडियो देखना, इसमें से आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे और आप जब साइट पे जाओगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी काम आने वाली है। जब क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो एज ए साइट इंजीनियर आपको भी ये पूछे जाएंगे और साइट पे जाके भी काम आएंगे। तो पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है क्या नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो उससे पहले जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऐसी वीडियोस आपको आपके खुद के चैनल सिविल साइट विजिट में ही मिलेंगी। कंक्रीट के रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जेई एग्ज़ाम की या एई एग्ज़ाम की किसी भी, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखना क्योंकि काफ़ी नॉलेज इसमें से आप ले जाने वाले हो। तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी सिविल साइट विजिट पे। तो सबसे पहले आपको कंक्रीट को देख के क्या आता है, मतलब पहली चीज़ हम देखते हैं उसमें एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के लिए क्वेश्चन है, द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड, जो हम फाइन एग्रीगेट जिसे बोलते हैं तो उसका साइज़ कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है, 4.75 mm जो होता है उससे कम का जो साइज़ होता है उसे हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और ऊपर उससे चला जाता है तो वो फाइन एग्रीगेट नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, जब क्या होता है, जब भी जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कंक्रीट आप देख रहे हो ये प्रॉपर अच्छा कंक्रीट है, एक वर्केबल कंक्रीट है, तो कंक्रीट में जब कभी क्या होता है, जो मटेरियल होता है कंक्रीट का, एग्रीगेट, सैंड या सीमेंट या पानी, वो जब अलग अलग पड़ने लग पड़ता है प्लेसिंग के दौरान, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो होती है हमारी सेग्रीगेशन। ये हर एक क्वेश्चन आता ही है, कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन हम उसे सेग्रीगेशन बोलते हैं। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कम होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, ये हमेशा याद रखना। हमेशा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का ज़्यादा होता है और स्टील का हमेशा कम होता है, ये हमेशा याद होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो सेटिंग टाइम होता है हमारा सीमेंट या कंक्रीट बोल लो, तो उसको हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब हमारा सेटिंग टाइम जल्दी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हम उसमें जिप्सम ऐड कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जिप्सम जब भी उसमें ऐड करेंगे तो उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ होगा। अभी दूसरी चीज़ है, और जो अब हम सेग्रीगेशन जो होती है, अगर हमारा मिक्सचर अच्छा नहीं है, वर्केबल है लेकिन अच्छा नहीं है, तो उसकी हम सेग्रीगेशन किस तरीके से रोक सकते हैं, उसकी सेग्रीगेशन हम रोक सकते हैं प्लेसिंग के दौरान। जब हम कंक्रीट करते हैं किसी चीज़ में, बीम में या स्लैब में या कॉलम में, तो हमें क्या करना है, जो भी हम उसको डालेंगे काफ़ी दूर से नहीं, मतलब 1 मीटर कम की हाइट से अगर हम कंक्रीट करते हैं तो हमारे सेग्रीगेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कॉलम कास्ट करते हैं, कंक्रीट करते हैं उसमें, तो 3 मीटर की हाइट होती है, और फर्मा जो होता है, जो फॉर्म वर्क की होती है, जो तगारी से हम कंक्रीट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डाल देते हैं उसमें तगारी से, और जो नीचे कंक्रीट पहुँचता है वो क्या पहुँचता है, सिर्फ एग्रीगेट पहुँचता है, और बाद में जो पानी या सैंड होगी वो बाद में पहुँचता है। और हमेशा जो आपका कॉलम ख़राब निकलता है वो कहाँ से निकलता है, हनीकॉम्ब आपको देखने को कहाँ से मिलता है, आपको मिलता है कॉलम के बॉटम में, और जो कॉलम का हाई रिस्क जोन एरिया कौन सा होता है, कॉलम का बॉटम ही, मतलब स्लैब से थोड़ा 1 मीटर ऊपर तक, वो सबसे रिस्की जोन है, फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा वहीं होते हैं। और जब हम कंक्रीट प्लेस करते हैं और वहीं एरिया में हनीकॉम्ब दिखता है, तो वो काफ़ी खराब चीज़ है। आपको कंक्रीट जब भी कॉलम में करना है, किसी एरिया में करना है, तो 1 मीटर ज़्यादा हाइट से आपको कभी भी कंक्रीट नहीं फेंकना। ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे, जो वॉइड आपने सुना है, कंक्रीट में वॉइड हम कंपैक्शन करते हैं, किस लिए करते हैं, वॉइड को खत्म करने के लिए। तो अगर 1% वॉइड कंक्रीट में रह जाता है, अगर प्रॉपर उसमें वाइब्रेटर नहीं चलाओगे, प्रॉपर वाइब्रेटर नहीं यूज करोगे, तो 1% वॉइड 5% स्ट्रेंथ कम करता है। कितना, 1% वॉइड 5% स्ट्रेंथ कम करता है, ये हमेशा याद रखना। और जब हम OPC कंक्रीट यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें जो कंक्रीट यूज़ करेंगे उसमें OPC पड़ा होगा, तो वो क्या होता है, जब वो सेट हो जाता है, मतलब उसका इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद ही, 30 मिनट बाद ही, उसमें क्या देखने को मिलती है, हमें श्रिंकेज देखने को मिलती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रिंकेज किस वजह से होती है, तो जैसे ही इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट होता है, OPC सीमेंट उसमें पड़ा है, तो आपको क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है, मतलब इनिशियल सेटिंग के टाइम तुरंत आपको क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम तक नहीं रुकना है, नहीं तो आप सामने क्रैक जैसे देख रहे हो, ऐसे क्रैक आपको कंक्रीट में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन है कि स्लंप ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 60 mm, तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, अगर एक स्लंप हमने स्लंप टेस्ट किया, उसका स्लंप आता है 60 mm, तो उसकी वर्केबिलिटी कैसी होती है,
तो इसमें आपको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। अगर जो जैसे हम स्लम टेस्ट करते हैं वर्कबिलिटी चेक करने के लिए, अगर 0 से 24 mm स्लम्प आता है तो वो वेरी लो स्लम्प होता है, वेरी लो मतलब उसकी वर्कबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। अगर 25 से 50 mm आता है स्लम्प तो उसकी वर्कबिलिटी कितनी होती है, लो वर्कबिलिटी। 20 से 24 कितना था, वेरी लो, 25 से 50 हो गया लो, और 50 से 100 mm अगर वर्कबिलिटी आती है तो वो मीडियम हुआ, अगर 100 से 175 mm होता है तो वो हाई वर्केबल कंक्रीट होगा, और हमारा कितना है 60 mm यहाँ पूछा था तो वो मीडियम वर्केबल कंक्रीट हम उसे कहेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अभी अगला जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कंक्रीट ओल्ड होता जाता है, टाइम निकलता जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ये हमेशा याद रखना। तो जो मैसिव डैम्स बनाए जाते हैं तो उसमें कौन सा कंक्रीट यूज़ किया जाता है, मतलब जो बड़े बड़े डैम होते हैं मैसिव डैम, उसमें हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं कि उससे क्रैक ना आए। रैपिड हार्डनिंग में यूज़ करते हैं, उसमें हम करते हैं लो हीट सीमेंट, तो उससे क्या होगा, जो श्रिंकेज क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो कंक्रीट हो रहा है, तो उस दौरान जब हमने कंपैक्शन कर ली, वाइब्रेटर चला लिया, और थोड़े टाइम बाद 5-10 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसके ऊपर पानी जमा होने लग पड़ता है, तो वो किस वजह से होता है, वो उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो उसमें क्या होता है, कंक्रीट नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, उस चीज़ को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। और अगर एग्रीगेट के सामने, जैसे एग्रीगेट देख रहे हो, इसमें से अगर हमें चूज़ करने मिले कि कौन सा साइज़ का एग्रीगेट, साइज़ तो हम नहीं बोलेंगे, कौन सा शेप का एग्रीगेट अच्छा एग्रीगेट कहलाता है, जिसको वर्केबल भी होता है और अच्छा भी होता है, वो राउंड एज एग्रीगेट होता है। जो रिवर सैंड जैसे हम यूज़ करते हैं, वैसे ही रिवर में से जो बजरी निकलती है वो राउंड एजेस रहती है, वो काफ़ी अच्छी बजरी हम जहाँ एग्रीगेट उसे बोलते हैं। और एक और चीज़ आपको सुन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्रीगेट 75 mm से छोटा एग्रीगेट होता है उसको क्या चीज़ हम बोलते हैं, साइक्लोपियन एग्रीगेट क्या होता है? साइक्लोपियन एग्रीगेट वो होता है जिसका साइज़ 75 mm से कम हो, उसे हम साइक्लोपियन एग्रीगेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर हम इन हैंड, मतलब मैन मेड, खुद आप मिक्स कर रहे हो, RMC प्लांट से कंक्रीट नहीं आ रहा है, उसको खुद मिक्स कर रहे हो, या उसमें हमें कितनी सीमेंट की रेशियो बढ़ानी होती है? जो भी डिज़ाइन किया गया है वो RMC के हिसाब से किया जाता है मोस्टली, तो हैंडमेड में आपको 5% एक्स्ट्रा सीमेंट डालना होता है, और अगर पंपेबल कंक्रीट है, पंप से कंक्रीट करोगे, तो उसमें तो आपको 10% एक्स्ट्रा सीमेंट डालना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ कैसे गेन करता है, मतलब क्या चीज़ से कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है? तो उसमें स्ट्रेंथ होती है सीमेंट, जब हाइड्रेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है, जब उसमें हम सीमेंट में पानी डालेंगे, जो हाइड्रेशन होगी, तो उसी की हेल्प से जो कंक्रीट होता है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करने लग पड़ता है। इंटरव्यू में भी ना ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कंक्रीट की बात छेड़ेगी अगर तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि बताइए चलो नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में क्या डिफरेंस है, तब आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, इसमें मैं पूरी प्योरली डिफरेंस करने वाला हूँ कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है जो आपको इंटरव्यूअर को बताना है, और उसका मुँह बंद। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो कंक्रीट पहले है क्या चीज़, कंक्रीट हम बात करें तो एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, वाटर, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कंक्रीट बनाते हैं, सीमेंट वगैरह। तो नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स भी कंक्रीट ही है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम मेथियोटिकल वे से आपको समझाता हूँ, पूरा क्लीन इसका प्योरली मैं डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिसने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इंटरव्यू के क्वेश्चन काफी चीजें आपको इस चैनल से मिल जाएंगे, 500 से 600 वीडियो इसमें पहले ही बन चुकी हैं। तो डिजाइन मिक्स और नॉमिनल मिक्स का मैंने डिफरेंस बना दी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉमिनल की बात करते हैं। देखो नॉमिनल क्या है, आपने हम मेरी वीडियोस भी देखी होंगी कि मैं खुद आपको बताता था कि कंक्रीट कैसे हम निकालते हैं, तो उसमें हम ड्राई वॉल्यूम, मतलब एक चीज समझ लेना, जो नॉमिनल मिक्स होता है ना वो ड्राई वॉल्यूम बेस होता है, वॉल्यूम पे डिपेंड होता है कि पहले वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम डिजाइन करते हैं। लेकिन जो डिजाइन मिक्स होता है वो केजी पे होता है बेस, मतलब सैंड केजी में अपना जो भी मटेरियल यूज होगा। क्यों? देखो जो भी प्लांट होता है, आरएमसी प्लांट जो होते हैं, उनमें जो कमांड दी जाती है वो केजी के हिसाब से दी जाती है, तो ये डिजाइन जो पूरा बेसिक बेस होता है इसका वो केजी पे होता है, किसका, डिजाइन मिक्स का। नॉमिनल हमारा ड्राई वॉल्यूम पे रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो होती है वो फिक्स होती है, आपने देखा होगा, मैं बताया भी था काफी, इस पे सब पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हो, 0.50, 0.55, 0.60, ये हमारी वाटर रेशियो पहले से ही डिसाइड होती है
और जहां हम सीमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं, ये हमारी पहले फिक्स होती है, लेकिन इसकी ये फिक्स नहीं होती। क्यों फिक्स नहीं होती मैं आगे सब बताने वाला हूं, लेकिन ये पहले पॉइंट सुन लीजिए और फिर सुनना सिर्फ मैं क्या क्या बोलूंगा। ये फिक्स नहीं होता है, मतलब वाटर सीमेंट रेशो डिजाइन जब कर रहे होते हैं लैब में, उसी दौरान डिसाइड की जाती है कि इसमें हमने 180 लीटर पानी डालना है, 200 लीटर पानी डालना है, 300 लीटर, वो उधर लैब में डिजाइन होता है जब हम डिजाइन करते हैं कोई भी ग्रेड का। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो मिक्स रेशो होती है वो फिक्स होती है। मिक्स रेशो की बात क्या करूं मैं, मिक्स रेशो क्या होगी हमारी, एम इधर ही दिखा देता हूं, M5, M7.5, M10, M15, 20, मतलब ये जो इनकी रेशो होती है 1:1:2, 1:1:3, ये रेशो पहले ही फिक्स होती है किसमें, नॉमिनल में। लेकिन यहां क्या होता है, मिक्स रेशो फिक्स नहीं होती है, ये डिपेंड किस पे करती है, डिजाइन पे, जो लैब में हम डिजाइन करते हैं उस पे डिपेंड करेंगी कि आपका 1:1 सीमेंट पड़ेगा, 2:1 सैंड पड़ेगी, 3:1 एग्रीगेट पड़ेगा या फ्लाई ऐश पड़ेगी, जो भी पड़ेगा वो हम कहां डिसाइड करते हैं, वो लैब में डिसाइड होता है। लेकिन मिक्स रेशो इसके नॉमिनल की डिपेंड पहले ही हो चुकी होती है। देखो वाटर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सीमेंट क्वांटिटी, जो वाटर की जैसे मैंने बताया इसकी फिक्स होती है 0.50, 0.55, 0.60 या 0.45, वो किस पे डिपेंड होती है, सीमेंट की क्वांटिटी पे। जितना सीमेंट डालेंगे उसी हिसाब से हमारा क्या बोलते हैं पानी डाला जाता है। ये जो नॉमिनल मिक्स होता है ना, ये खुद आप डिजाइन कर सकते हो, जो मैं वीडियो पहले 3-4 वीडियो उस पर बना सकता हूँ, खुद ही डिसाइड कर लोगे कि कितना आपका कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट, कितना सीमेंट, वो खुद ही निकाल सकते हो। लेकिन इसका क्या होता है, इसका वाटर कैलकुलेशन किस पे डिपेंड होता है, जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं, मेनली कोर्स एग्रीगेट पे यूज करते हैं, जो भी बड़ा साइज का एग्रीगेट होगा 40 mm का, 20 mm का, 10 mm का, उस हिसाब से यहां डिसाइड होता है कि इसमें पानी कितना डलेगा। जहां जो इसमें सीमेंटियस मटेरियल होते हैं लाइक फ्लाई ऐश, सिलिका, एडमिक्चर, प्लास्टिसाइजर्स, जहां राइस हस्क, काफी चीजें डाली जाती हैं, तो उन पे भी डिपेंड होता है। अगर इसमें से ये फ्लाई ऐश डाली है या सिलिका डाला है तो वाटर रेशो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो मतलब पूरा प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ता है हमें लैब पे बैठ के, फिर हमें डिसाइड होता है कि क्या है या क्या नहीं। अभी हम बात करते हैं, देखो M20 से जो नीचे होते हैं ना, M20 से जो नीचे ग्रेड होंगे ना, या M20 को लेके, वो हमारे नॉमिनल मिक्स में आते हैं। बाकी जो ऊपर होंगे ना, उसको अगर अच्छे से अगर यूज करने हैं आपको, तो प्रॉपरली उनको डिजाइन किया जाता है। अगर हम बात करें M25 स्टैंडर्ड है हमारा, लेकिन M30 या 30 से अबव जो ग्रेड यूज किए जाते हैं वो डिजाइन मिक्स होते हैं, वो उनको प्रॉपरली लैब में डिजाइन किया जाता है। और इन दोनों में मैं बात करूं अगर कि दोनों में बेस्ट कौन सा है और क्या इनमें डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस पता चल गया, मेजर बात क्या है दोनों में मैं बताता हूं। देखो जब डिजाइन मिक्स जो होता है, जब उसको डिजाइन किया जाता है, कोई भी ग्रेड बनाया जाता है उससे उसके थ्रू, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर वो इकोनॉमिकली देखा जाता है कि वो सस्ता हमें किस प्रकार से पड़ेगा, दूसरा उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है, तीसरा वो वर्केबल है कि नहीं है, वो ड्यूरेबल है कि नहीं है, वो सब चीजें डिसाइड की जाती हैं। और ये सस्ता भी पड़ता है, डिजाइन मिक्स हमेशा सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी डिक्रीज होती है कई प्रॉपर्टीज उसकी चेंज करने से, लाइक मतलब उसमें क्या करते हैं, फ्लाई ऐश ऐड कर देंगे तो सीमेंट का खर्चा कम हो जाता है, उसमें सीमेंट कम डालना पड़ता है अगर फ्लाई ऐश इंक्रीज कर लिया। लेकिन यहां जो डिसाइड है, डिपेंड है कि 6 बोरी तो 6 बोरी, 7 बोरी तो 7 बोरी डालनी ही डालनी है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो चीज सस्ती हो जाती है। और इसमें जब भी डिजाइन करते हैं ना, तो हर मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है, वाटर की, सैंड की, एग्रीगेट की, सीमेंट की, सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की जाएगी, उसी बेसिस पे वो डिजाइन किया जाएगा। मतलब अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, मोस्टली ये चीजें इसमें देखी जाती है नॉमिनल मिक्स में। लेकिन डिजाइन मिक्स में क्या होता है, ये तो रहती हैं, प्लस उसमें ऐड कर दिया जाता है फ्लाई ऐश, एडमिक्चर्स डालते हैं, प्लास्टिसाइजर डालते हैं, सिलिका डालते हैं, काफी चीजें डालते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो, लाइफ इंक्रीज हो, ड्यूरेबल हो, काफी चीजें उसमें ऐड की जाती हैं। मतलब अगर हम बात करें सबसे अच्छा और सस्ता, तो डिजाइन मिक्स होता है। बाकी नॉमिनल मिक्स आप
कोई भी लेबर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो खुद मिक्स करके बना सकता है, उसको बस रेशियो पता होगी कि हम M20 का माल बनाएंगे तो उसकी अगर हम एग्जांपल पकड़े रेशियो 1:1:2 है तो एक रेशियो वो सीमेंट डाल देगा, एक रेशियो सैंड डाल देगा, 2 रेशियो एग्रीगेट डाल देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रॉपर वे से डिजाइन होगा कि अगर हम M30 बना रहे हैं तो इसमें पूरा डिसाइड होगा कि 1:सीमेंट 0.75 ये पॉइंट्स में रहते हैं, मतलब ये हमेशा पॉइंट। फिर अगर हम बात करें 2.07 तो इसमें केजी के हिसाब से आरएमसी प्लांट में फिक्स कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से वो मटेरियल बनेगा, वो सस्ता भी होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी होगी और काफी चीजें होती हैं। तो एक आपको आई होप आइडिया लग गया होगा बताने को इंटरव्यूअर को कि कैसे अगर आपको बताना है उसको तो ये चीजें अगर आप बताओगे ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताई तो इससे उसको आइडिया लग जाएगा कि इसको पता है डिजाइन मिक्स। ऐसे हमें डिफरेंस तो पता होता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चैनल नया बनाया मैंने किसके लिए, जॉब्स के लिए, मतलब सिविल के रिलेटेड कोई भी जॉब है प्राइवेट या गवर्नमेंट वो मैं डालता हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में नए चैनल न्यू चैनल लिखे लिंक होगा उस पर क्लिक करो जाओ, वहां काफी ज्यादा जॉब आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू गाइज।